हाँ सर, माधवनगर कटनी सर। हेलो, माधवनगर कटनी सर। माधवनगर कटनी, आप चैट ग्रुप में अपना मेल ईमेल आईडी जो है ना, ईमेल आईडी को सेंड कीजिए। आप बायो के बच्चे बैठे हैं सर, तो मैथ्स का पीरियड तो नहीं है? मैथ्स का पीरियड 12th क्लास का जी। मैथ्स का पीरियड 12th क्लास का है। ये 12th के बच्चे बैठे हैं, बायो क्लास के। अगर मैथ्स हो तो मैथ्स वालों को बैठा दें। हाँ, मैथ्स के बच्चों को बैठाइए वहाँ पे। मैथ्स के बच्चों को बैठाइए। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्लियर? ठीक है सर, आवाज क्लियर मिल रही है आपको? नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र कुमार साहू आज आप लोगों को कक्षा 12 का जो अवकलज के अनुप्रयोग है, ये चैप्टर नंबर 6 है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं ये जो 12th क्लास की जो वर्चुअल क्लास ले रहा हूं, मैं ये फर्स्ट टाइम ले रहा हूं, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बता सकूं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले है ये जो चैप्टर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग। आप निश्चित रूप से इससे पहले का जो चैप्टर है अवकलन, उसको अच्छे से कर चुके होंगे और आप जानते होंगे कि किसी फलन का जो अवकलन होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें बहुत सारे सूत्र भी हैं, हम लोगों को वो सूत्र याद रखने रहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलज है वो कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलज है वो कॉस एक्स होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसको लिख के बताऊं कि हम लोगों को किस तरीके से इसको नोट करना है। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, मैं ये पिछली क्लास जो है ना, पिछली कक्षा में उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हुआ अपने ये जो अवकलज के अनुप्रयोग है यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है और अवकलज निकालते हैं, तो हम इसको इस तरीके से नोट करते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता अपना कॉस एक्स है, जिसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना भी जाना है। बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन और समाकलन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये स्टार्टिंग में हम किस तरीके से उसको नोट करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक तरीका तो हम ये अपनाते हैं, दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि दिए हुए फलन को जो कि x में होता है हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू साइन x। तो y का x के सापेक्ष जो अवकलज है वो लिखाने में आएगा d बाय डी एक्स, और इधर साइन x का जो है अवकलज जो है वो cos x हो जाए। ये तरीका है, ये दूसरा तरीका हम अधिकतर सवालों में अपनाते हैं, यानी कि अवकलन करने वाले प्रत्येक प्रश्न में LHS भी हो और RHS भी हो। LHS में y के रूप में लिख लेते हैं, RHS में दिया हुआ फलन लिख लेते हैं, और फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका एक रूप और है, हम इसको फलन को यदि fx लिखते हैं, fx बराबर sin x, तो इसके अवकलज को एफ डैश एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है जो कि कॉस एक्स। ये मैंने एक मात्र एग्जांपल लिया है, आप लोग बहुत सारे फलनों के अवकलन निकालना पिछली जो अध्याय है उसमें सीख चुके हैं। अब हम जो पहले सीख चुके हैं उसका जो उपयोग है वो करना है, उपयोग यानी कि वो हो गया अवकलज का अनुप्रयोग, कि डिफरेंशिएशन का हमारे दैनिक जीवन में या आसपास के जीवन में कहां हमें उसका प्रयोग देखने को मिलता है।
बच्चों अब मैं आप बात कर रहा हूँ अब कलच के अनुप्रयोग, तो मैं पहले जानना चाहूंगा, आप लोग माइक लेके मेरे प्रश्न का उत्तर देना, मैं ये जानना चाहूंगा क्या आपको पता है कि अवकलज के अनुप्रयोग से वार्षिक परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे? यदि आपको ये पता है तो मुझे बताएं, और आप उत्तर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। एमपीएस नरसिंहपुर, आपका माइक कनेक्ट हो तो आप प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछ भी सकते हैं, अभी मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दें। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम स्वदेश यादव है। सुरेश यादव। स्वदेश यादव। स्वदेश, आप ये बताएं अवकलज, आप अवकलन इससे पहले का चैप्टर कर लिया है आपने? हाँ सर हो गया है। आप डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स? सर सेक स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अब आप ये बताएं ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो इसका नाम क्या है? सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब अब क्लास के अनुप्रयोग। बहुत बढ़िया, आपका मीडियम हिंदी है इंग्लिश है? सर हिंदी। अच्छा बहुत बढ़िया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अब कलज के अनुप्रयोग। आपको पता है ये वार्षिक परीक्षा में इस चैप्टर से कितने अंकों का पूछा जाएगा? हाँ सर। क्या है सर? 11 मार्क्स का होना है कुल, जिसमें से 5 ऑब्जेक्ट हैं और 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। बहुत बढ़िया, 1-1 नंबर के 5 और 3-3 नंबर के 2 प्रश्न। बहुत बढ़िया, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम उसका जो अंक विभाजन है, वेटेज है, वो देख लें तो हमें तैयारी करने में आसानी रहेगी। अब जो 1-1 नंबर के जो 5 प्रश्न है, संभवतः ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि किसी एक चैप्टर से जोड़ी आती है, मुझे ये लगता है चूंकि 1-1 नंबर के 5 प्रश्न इसमें लिए गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर से जोड़ी आ सकती है। ठीक है, अब 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं उसको तैयार करने के लिए हमें 3-4 इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, कम से कम स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कमांड करना है। स्वदेश बड़ा अच्छा लगा आपने मुझसे बातचीत की, आप बैठ जाएं, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। राशियों के बच्चों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपके पास जो बुक है वो उसी बुक का मैं एक प्रश्न आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहले 6.2 है राशियों के परिवर्तन की दर। अब राशियों के परिवर्तन की दर जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि राशियां क्या होती हैं। ठीक है, एक राशि की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे है ना टॉपिक को आगे बढ़ाना है। जैसे मैंने ली एक राशि, यो ली मैंने आयतन। अब ये आयतन जो है इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख रहा हूं। अब बात करता हूं कि मैं ये जो राशि मैंने लिए आयतन, ये आयतन किस चीज का लिया है। मैं यहां पर ये ले रहा हूं आयतन घन का, क्यूब का। क्यूब की जो एज होती है, एक कोर होती है वो एक्स होती है, और प्रत्येक कोर की लंबाई भी एक्स होती है, तभी तो वो घन है। उस घन का जो आयतन है वो होता है एक्स। ठीक है, घन का आयतन जो है वो है अपना एक्स क्यूब। अब यहां पर जो टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर, यानी कि किसी घन का हमारे पास यदि आयतन दिया हुआ है और उस घन की कोर एक्स में हम बदलाव कर रहे हैं, एक्स में बदलाव करने के साथ में जो वी में जो बदलाव होगा वो इस आयतन का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर होगी। ध्यान से समझना, मैं फिर से बताता हूं। क्योंकि आयतन का फॉर्मूला वी इक्वल टू एक्स क्यूब है, आयतन जो है एक्स पर निर्भर कर रहा है। यदि हम किसी घन की कोर को कम करते हैं तो निश्चित रूप से आयतन कम होगा, एक्स को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आयतन बढ़ेगा। तो मेरा यहाँ पर ये समझाना है कि आयतन की परिवर्तन जो हो रहा है उसकी दर क्या है। अब यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे,
कि चूंकि एक्स में परिवर्तन किया जा रहा है तो एक्स के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन दर ज्ञात करना है, उसको इस तरीके से निरूपित करते हैं डी वी बाय डी एक्स, नीचे एक्स लिखा यानी कि वॉल्यूम का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, इक्वल टू में हम लिखेंगे डी बाय बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब आपको ये पता है एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन है वो होता है 3x2, तो ये जो है परिवर्तन की दर हो गई है, इस तरीके से हमें निरूपित करना। अब प्रश्नों में ये दिया रहता है किसी आयघन के आयतन के परिवर्तन की दर तब ज्ञात कीजिए जब उस घन की जो कोर है उसकी लंबाई x बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला हमने लगाया एक्स क्यूब और हमने x के मान को यदि यहां पर डाल दिया x बराबर 3 सेंटीमीटर को आप मान लो यहां डाल दोगे 3 to the power 3 इक्वल टू 27 आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, और इस 27 का जब आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो वो तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है तो उत्तर जीरो हो जाएगा, गलत होगा। सही क्या है, सही ये है कि चर में जब वॉल्यूम है पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये दोनों तरफ हम डी बाय डी एक्स लिखते रहेंगे, जब डिफ्रेंशिएट कर दिया गया उसके बाद हम एक्स के मान को डाल दें 3 equal to 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 27 आ रहा है। अब बच्चों यहां पर ये जो परिवर्तन की दर की इकाई को लिखना इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं और जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर हम पूर्णता के साथ लिखें, उसमें कुछ छोड़ें नहीं। यहाँ पर अभी जो छूटा हुआ है वो ये है कि ये 27 की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, तो मैं आपको बताऊं वॉल्यूम ऊपर है, वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, अपॉन अपॉन यहां पर है पर यानी कि प्रति, नीचे एक्स है, एक्स जो है वो क्यूब की घन की ओर है जो कि सेंटीमीटर में ही दी हुई है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आ गया, यानी कि उस घन के आयतन के परिवर्तन की दर 27 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर है, यानी कि प्रत्येक सेंटीमीटर ओर की लंबाई बदलने पर उस घन का जो आयतन है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब बदल जाता है, यानी कि इस घन में यदि कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस घन का आयतन जो है बढ़ेगा, और वो कितना बढ़ेगा 27 सेंटीमीटर क्यूब, ये बात आती है। अब बात है इसी में मैं आगे बढ़ाता हूं कि आयतन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, ध्यान से समझना समय के सापेक्ष। बच्चों क्यूब का जो आयतन है वो v इक्वल टू एक्स क्यूब है, अब समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर यानी कि हमें इसको t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर चेन रूल लगेगा, ठीक है। अच्छा कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा v इक्वल टू एक्स क्यूब है तो dv बाय dt कितना होगा, नसरुल्लागंज सीहोर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? सर शिवानी विश्वकर्मा। शिवानी एक्स क्यूब का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा? सर 3x2 dx अपॉन dt। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया शिवानी आपने, बैठ जाएं अब आप। ये जो है v इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम t बाय dt निकाल रहे हैं, हम इसमें किसी तरह की गलती करें उससे बचने के लिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, हो सकता है आप लोग अपनाते होंगे। जब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो d बाय dx दोनों तरफ लिख लें,
टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बाय डी टी लिख लें, और डी बाय डी टी लिखने के बाद वो राशि लिख लें। यहां पर हम डी बाय डी टी लिख लें और एक्स क्यूब लिख लें, ये कर लें, तो हम यह पाएंगे कि हमें एक्स क्यूब का अवकलन करना है, पर ये तो टी के सापेक्ष है। हमने ये सूत्र जब याद किए हुए हैं वो ये किए हुए हैं कि एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले का यूज करके हम एक्स क्यूब का लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जो सापेक्षता बदल रही है टी हो रहा है, जब सापेक्षता बदलती है तो हम क्या करते हैं इस एक्स को टी जैसा मान लेते हैं, और एक्स क्यूब का हम डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष हम करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, और ये वाला एक्स है इसको टी के सापेक्ष फिर से कर देते हैं, चेन रूल है, तो ये थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी आया। तो ये जो है वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब का मैंने टी के सापेक्ष परिवर्तन बताया है, और ये डी बी बाय डी टी जो है उस आयतन के परिवर्तन की दर है। अब प्रश्नों में क्या होगा, प्रश्नों में जब इस तरह का दिया होगा तो उन्होंने एक्स का कुछ मान दिया होगा और डीएक्स बाय डी टी हो सकता है दिया हो, नहीं तो हमें प्रश्न में दी हुई कंडीशनों से ये पता लग जाएगा एक्स का मान, और डीएक्स बाय डी टी के मान हम यहाँ पर रख के डी बी बाय डी टी का उत्तर निकाल लेंगे, तो ये वॉल्यूम में परिवर्तन की दर होगी। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो सबसे पहली जो चैप्टर एक्सरसाइज है 6.1, क्योंकि तीन नंबर का एक प्रश्न आया, दो प्रश्न आने हैं, तो मुझे लगता है पहली प्रश्नावली और उससे पहले के उत्तर उदाहरण में जो दिए हुए हैं उन उदाहरणों को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, तीन नंबर का एक प्रश्न निश्चित रूप से आप सही कर पाएंगे, और पांच नंबर की तैयारी के लिए इसका जो कंटेंट पार्ट है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है उसको आप अच्छे से करें। तो मैं ये उदाहरणों को नहीं करता हूं, मैं एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को बताता हूं, ठीक है, किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है, वो हल करना बड़ा महत्व रखता है कि हम अच्छी आंसरिंग कैसे दें। उदाहरण आप लोग छोड़ना नहीं, अच्छे से करना है। देखें ये जो है प्रश्नावली 6.1 का जो पहला प्रश्न है, आप निश्चित रूप से जानते होंगे, आपने कर लिया है, उत्तर भी आप अच्छे से दे रहे हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं नोट करता जा रहा हूँ, आप आंसरिंग पर ध्यान देना है कि आंसरिंग कैसे करना है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, बच्चों प्रश्न आसान है, उत्तर आसान है, पर मैं खास बात जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, उस पर ध्यान देना। वृत्त के क्षेत्रफल, इन प्रश्नों में दो बातें होंगी, एक बात तो वो होगी जहां पर किसी चीज का सूत्र लग रहा, और दूसरी जो है वो उसकी डायमेंशन होगी कि जैसे वृत्त है, वृत्त की डायमेंशन जो है वो मेन डायमेंशन क्या है, उसकी त्रिज्या है। अब त्रिज्या का कोई सूत्र तो होता नहीं है, भाई वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो है, पर वृत्त के क्षेत्रफल का जो है सूत्र होता है। तो जो छोटी छोटी डायमेंशन प्रश्न में दी हुई हो उनको पहले लिख लें, और फिर जो बात दी हुई है जैसे क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है उसको बाद में लिखें। तो मैं पहले पूरा प्रश्न पढ़ता हूँ, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि आर बराबर 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो बातें हैं, एक वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्या को पहले लिखना है आपको, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी उस चीज को आपको पहले नोट करना जिसका कोई सूत्र नहीं है। अब है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, ब्रैकेट में ए जरूर लिख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल होगा अपना पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल को लिख के आर का मान 3 सेंटीमीटर डालना नहीं है, क्योंकि हमें वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो परिवर्तन की जब दर ज्ञात करना है आर के ही सापेक्ष ज्ञात करना है, तो डी बाय डी आर हमने दोनों तरफ लिख लेना है, डी बाय डी आर, किसका डी बाय डी आर, एरिया इक्वल टू डी बाय डी आर इंटू में ये जो ए का मान है ऊपर पाई आर स्क्वायर हमने डाल दिया। अभी निश्चित रूप से आप जानते हो, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा
कि LHS पार्ट ऑफ R और RHS पार्ट दोनों आप साथ में लिखते रहें, रिपीट करें, उसका कारण अभी बताऊंगा। DA by DR इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है, R स्क्वायर का R के साथ एक जो अवकलन होगा वो होगा 2R होगा। अब हमने अवकलन कर दिया बच्चों, ये पूरे एक्सरसाइज में हमें अवकलन करने के बाद ही जो छोटे छोटे मान दिए हुए हैं डायमेंशंस के, जैसे यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया हुआ है, वो डालना है अवकलन करने के बाद। अब मैं R की जगह पर ये 3 सेंटीमीटर डाल दूंगा, तो 3 सेंटीमीटर डाल देंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि dA by dR में ब्रैकेट लगा दिया, R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लिख दिया, ये सबसे बेस्ट आंसरिंग होगी, dA by dR और फिर ब्रैकेट लगाया R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ पर इस स्टेप में ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष हम उस समय निकाल रहे हैं जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, इक्वल टू पाई इंटू 2R, R का मान जो है वो 3 है, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 और 6π लिखते हैं। यहाँ पर अब आप पूछ सकते हैं कि पाई का मान 22/7 डालने की जरूरत है कि नहीं। बच्चों 22/7 हमको नहीं डालना है यहाँ पर, यदि प्रश्न में दिया है ब्रैकेट में पाई बराबर 22/7 का उपयोग करें, पाई बराबर 3.14 का उपयोग करें तो हम कर देंगे, और हम नहीं दिया होगा तब भी कर सकते हैं, वो कब करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखना, पहले मैं ये बता दूं ये आंसर होगा, अब आंसर की इकाई लिखना है, आप इकाई यहां से देखना, एरिया ऊपर, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि सेंटीमीटर में त्रिज्या थी, नीचे R यानी कि सेंटीमीटर, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका एक नंबर तक भी कट सकता है परीक्षा में। ये हमारा बेस्ट आंसर है, उत्तर आ गया। मैं जो बात बता रहा था पाई के मान की, मैं वो बता सकता हूं, जैसे आपने यहाँ पर 6π लिखा और 6 × π का मान 22/7, अब हम देखेंगे कोई भी न्यूमरेटर की वैल्यू, अंश की जो मान है कोई भी 7 से कट नहीं रहा, जब 7 से नहीं कट रहा हो तो हम मान ना डालें, हम पाई में ही आंसर छोड़ दें कम से कम इस प्रश्नावली में, तो आपको पूरे ही अंक मिलेंगे परीक्षा। तो ये प्रश्न हुआ, आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न क्रमांक 2 जो है इसका उत्तर देखें, आप लोग जानते होंगे, अच्छी बात है, आप जो है ना इनके उत्तर करने का तरीका आप यहां से कम मुझसे देख सीख लें। मैं अब चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई दे, तैयार रहना, माइक लेके तैयार रहें, मैं प्रश्न पढ़ने के बाद आपसे उसका प्रश्न पूछूंगा उससे संबंधित और उत्तर जानना चाहूंगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति एस जो लिखा है वो सेकंड है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बच्चों घन आप इसको इमेजिन करना कि घन का जब आयतन बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से घन की कोर भी बदलेगी, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी बदलेगा, और ये बदलेगा में कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है इसलिए वो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मेरा प्रश्न ये है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, कोई उत्तर दे। माधवगंज कटनी, बागधार, आपका माइक कनेक्ट नहीं है, MPS नरसिंहपुर, हाँ बेटा आप ये बताएं,
घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है सर? 6a² 6a² बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? सरदेश यादव। अच्छा सरदेश, मैं आपको बता दूं कि हम इस वाले पूरे चैप्टर में हम कोई भी सूत्र लगाएंगे वो x के रूप में लेंगे, x और y, ठीक है? आपने बोला 6a² बिल्कुल सही है, जबकि कोर की लंबाई a मानी जाएगी, हम यहाँ पर x मानेंगे ताकि x के अवकलन आसान रहता है और x और a में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जानते हैं हम चर राशियों को x y से निरूपित करते हैं, कॉन्स्टेंट को ए बी सी से करते हैं, जब a लिखेंगे तो a का डिफरेंशिएशन करने में हम हो सकता है गलती कर दें, शून्य लिख दें, ठीक है? सही उत्तर दिया स्वदेश, बैठते हैं बेटा। देखें एक घन का आयतन, बच्चों आप ध्यान से समझना यहाँ पर बात को, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हम इन प्रश्नों में क्या करेंगे कि जो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ है एक इस मान को लिख लें, आसान तरीका बता रहा हूं मैं। दूसरा ये है कि पूरे क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो हमें कुछ संख्यात्मक मान जो नजर आ रहे हैं वो सिर्फ दो आ रहे हैं, एक है 8 और उस 8 के बाद इकाई को जरूर लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। दूसरी लाइन में दिया हुआ है इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आप ये चीजें लिख लें पहले। अभी देख लें मैंने उत्तर कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ प्रश्न से ये दो मान बता रहे हैं। अब इन मानों का नाम क्या है, नाम क्या है, उस नामकरण को अच्छे से हम कैसे करें? यहां पर दिया हुआ घन का आयतन, दूसरी चीज आप यहां पर देखेंगे यहां सेंटीमीटर क्यूब नजर आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी आयतन की इकाई है, यानी कि न्यूमरेटर में आपको आयतन लेना है, तो मैंने डीवी लिख दिया। यहां पर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड एस जो है वो समय की इकाई है, यानी कि नीचे समय लिखना है यानी कि टी लिखना है, तो मैंने डीटी लिखा। अब डीवी बाय डीटी क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने बोला है प्रश्न में कि घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी कि ये घन के आयतन के परिवर्तन की दर है, इक्वल लगा दिया हमने, ठीक है? अब मैंने यहां पर लिखा 12 सेंटीमीटर, प्रश्न में देखा 12 सेंटीमीटर है क्या, वो उस घन के किनारे की लंबाई है, किनारे यानी कि वो एज कोर जिसे बोलते हैं और जिसको हम x में मानेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है x बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये हमने प्रश्न से ही उतारा। अब किस बात की परिवर्तन की दर इन्होंने पूछी हुई है, जिस बात की परिवर्तन की दर पूछी गई हो उसका सूत्र लगाते हैं। तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा है, तो हम यहां पर इसका सूत्र भी होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो होता क्या है, सूत्र लिखेंगे इसको ब्रैकेट में आप वी भी लिखते हैं, तो वी वी फॉर वॉल्यूम ए लिख दें, ए ए फॉर एरिया, ए इक्वल टू होता क्या है, जैसे अभी स्वदेश ने बताया ये होता है 6x², ये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है, घन के का पृष्ठ क्षेत्रफल को परिवर्तन की दर निकालना है, इसलिए इसको हमें अवकलन करना पड़े। अब अवकलन किसके सापेक्ष करें, इन्होंने बोला तो नहीं किसके सापेक्ष, पर हमें प्रश्न पढ़ के ही समझ में आ रहा है, क्योंकि आयतन के परिवर्तन की दर समय t के सापेक्ष दी हुई है, इसलिए हमें घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर भी समय t के सापेक्ष ही निकालना है। हम a को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, da by dt बराबर t by dt हम दोनों तरफ लिख देंगे, ये 6x² होगा।
अब बच्चों यहाँ पर चेन रूल का ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष 2x होता है, पर एक्स स्क्वायर का टी के सापेक्ष, जैसे अभी शिवानी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था, मैंने पूछा एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष, उसने टी के सापेक्ष, तो उसने बताया 3x स्क्वायर डी एक्स वाई डी टी। तो वो चेन रूल का आपको विशेष ध्यान देना है, दिस इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा टी के सापेक्ष वो होगा 2x और फिर होगा डी एक्स वाई डी टी। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा हो बीच में आप पूछ सकते हैं मुझसे कोई प्रश्न। इक्वल टू, बच्चों मैंने अभी बताया था डीए बाय डी टी, डीए बाय डी टी दोनों तरफ लिखते रहना आप, डीए बाय डी टी। अब आप देखो जो हमारा डीए बाय डी टी आया है 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स बाय डी टी, इसमें क्या क्या मान डल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखें कि हमें x के मान की जरूरत है, ये x का मान है, अब dx by dt के मान की जरूरत है, dx by dt कहीं नहीं दिया। यहां पर आप लोग थोड़ा रुक सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दें, नहीं तो मैं अब कर रहा हूं पहले, इक्वेशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं मैं कि आपने जहां पर dv by dt लिखा हुआ है प्रश्न से लिखा है, अब dv by dt का तो मैं अगले प्रश्न पर कर रहा हूं, dv by dt जो है वो आपने 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड लिख रखा है। अब आप देखेंगे कि यहां पर तो फॉर्मूला वॉल्यूम का भी होता है, फॉर्मूला जो है वॉल्यूम, ये आपको नजर आ रहा है ये dv by dt 8x क्यूब प्रति सेकंड दिया हुआ, अब ये वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होता है, जिस चीज का फॉर्मूला होता है इन प्रश्नों में सब लगने हैं। अब यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम होगा एक्स क्यूब इक्वल टू 8 लिखा रहने दी, अब यहां पर वही आ गया एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब का टी के सापेक्ष जो होगा वो होगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 8। बच्चों यहां पर खास बात ध्यान देने वाली है, अब ध्यान से समझना, प्रश्न में x का मान 12 दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं ये कोई भी मान तब तक नहीं डालेंगे जब तक कि एक बार अवकलन नहीं हो जाए। अब हम x का मान 12 सेंटीमीटर डाल रहे हैं, x का मान 12 सेंटीमीटर किस में डाल रहे हैं, ये dx by dt वाले में, dx by dt का नहीं डलेगा, सिर्फ x का डलेगा, 3 इंटू 12 का स्क्वायर इंटू dx by dt। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना, जब x का मान 12 लिखा हुआ है, डाला हुआ है, ब्रैकेट डाल के dx by dt में नीचे छोटा सा x इक्वल टू 12 लिख देना, कारण मैं अभी बताता हूं, इक्वल टू 8 है। कारण इसका ये है कि हम इस लाइन में ये बता रहे हैं कि dx by dt तब आएगा, यानी कि उसके कोर के परिवर्तन की दर उस समय होगी जब उस घन की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, 3 इंटू 12 12 का 144 होगा और इक्वल टू का अपना 8 होगा, अभी इक्वल टू 8 नहीं आएगा, अभी dx by dt है, dx by dt और ये x इक्वल टू 12 इक्वल टू 8 आया, ठीक है। अब आप देखें, मैं अगला प्रश्न तेज बदल रहा हूं, आप ध्यान से देख लें, 3 इंटू 144 dx by dt at x इक्वल टू 12 इक्वल टू 8। अब हमने क्या किया, ये जो dx by dt है, dx by dt इक्वल टू हमने निकाला x इक्वल टू 12 पर, तो 8 उधर पहले से ही है और 3 और 144 को उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर किया इसको हम कैंसिल कर लें, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 24 जा 272 जा, 2 से एक बार और हो रहा है 22 जा और ये 236 जा और ये 21 जा 218 जा। बच्चों मैं यहाँ पर एक खास बात बताता हूँ, 3 इंटू 18 आ रहा है, 3 इंटू 18 जो है अपना ये हो गया 54।
तो ये जो है 1/54 आया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आप लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग छोटी छोटी सी गलतियां ना करें, उससे हमारे मार्क्स कटते हैं। यहाँ पर कोई बताएगा कि जो सॉल्यूशन मैंने किया है क्या इससे आप सहमत हैं, क्या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? मैं चाहूंगा उत्तर आप लोग दें। नसरुल्लागन सीहो, आपका माइक कनेक्ट हो, जल्दी आप मुझसे मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैंने जो कर रखा है सॉल्यूशन, क्या ये तरीका सही है? टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है, जल्दी से उत्तर देना है। बागधार, हाँ बेटा, सर आप किसी बच्चे को दें जरा माइक, जल्दी उत्तर दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षाओं में मैथमेटिक्स में हम करके बहुत कुछ आते हैं और बाद में हम बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा प्रश्न हुआ, अच्छे नंबर आएंगे, और रिजल्ट जब आता है पता लगता है कुछ हमारे मार्क्स कम आए, हम जितनी उम्मीद कर रहे थे, इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, ये वो तैयार नहीं है। चलो अच्छा, MPS नसरुल्लागन सीहा, MPS नरसिंहपुर, आपका ये तीसरा चांस आया, आप अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप जल्दी से इस बात का भी उत्तर दे दें। स्वदेश के पीछे बैठे हुए रो में जो बच्चे हैं उनसे उम्मीद करता हूं आंसर दें। चलो उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं खुद बता देता हूं बच्चों। यहां पर खास बात ये है कि मैंने जो कैंसिलेशन पार्ट करा हुआ है, 8 को 2 से काटा 4 आया, 4 को 2 से काटा 1 आया, और हमने 144 को 2 से काटा 72 आया, 72 को फिर 2 से काटा 36 आया, और ये 18 आया फिर 2 से काटने के बाद। ये वाला जो कैंसिलेशन पार्ट है, आप इसको पेयर वर्क में जहां पर आप आंसर दे रहे हैं उस जगह पर करके ना दिखाएं। इसमें क्या होता है, जो वैल्यूअर होते हैं कॉपी चेक करते समय हो सकता है उनको ऐसा फील हो आपके अनटाइडी वर्क करने की वजह से कि उनको लगे कि आपने पूरा कट कर रखा है, अटेम्प्ट नहीं किया, तो उस कंडीशन में 0 मिल सकता। आप रफ में कर लें, डायरेक्ट 1/54 उत्तर निकाल। तो अब बच्चों ये जो 1/54 है इसकी इकाई क्या है? ऊपर एक्स है जो कि सेंटीमीटर में है, नीचे टाइम है जो कि सेकंड में है, 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अब आपको कहां आ जाना है कि जो आपका जो समीकरण 1 लिखा था आपने, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल को टी के सापेक्ष अवकलन कर, यहां आप देखें 6 × 2x × dx/dt है। यहां पर x का मान भी है जो कि 12 डाला जा सकता है, और dx/dt अब हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया 1/54, इन दोनों मानों को डालना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक से, समीकरण एक से हम da/dt को एक बार पूरा लिख लें, इक्वल टू 6 × 2 × x × dx/dt, ये हमने लिख लिया। इसमें हम ये बताएंगे da/dt अब हम उस कंडीशन में निकाल रहे हैं जब x = 12 दिया हुआ है, तो यानी कि x की जगह पर 12 डलेगा और dx/dt की जगह 1/54 डलेगा, ठीक है। अब इसकी इकाई की बात करेंगे, पहले हम इसका उत्तर लिख लें। da/dt, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इसका जो कैंसिलेशन है वो आपको रफ में करना है, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ पर करना आपको रफ में। 2 × 1 × 2 × 2 × 7 × 3 × 4 × 3, आपको नजर आ 3 × 9 ×
और ये 3 2 6 3 3 जा ये आ रहा 8/3। अच्छा एक बात ध्यान देना, जब न्यूमरेटर का आंसर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आप कोशिश करना उत्तर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें। 3 2 6 रिमाइंडर आएगा 2 3, 2 सही 2/3 2 and 2/3। यहाँ पर ये जो होगा इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ऊपर एरिया है नीचे टी है, तो ये होगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न और मैं कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखें। एक प्रश्न जो है वो ये है, अच्छा मैं उदाहरण पर दिया हुआ है वो आपको बता दूं ताकि ये ना कम समय में हम उस प्रश्न को हल कर पाए। अच्छा यहाँ पर चलो उदाहरण जो दिया हुआ उस तरीके का प्रश्न नजर आ गया, 7वां प्रश्न। बच्चों ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है, और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, वो भी प्रश्न है। तो मैं इसका एक प्रश्न करके पहले बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है 7वां प्रश्न। बच्चों आपको यहाँ पर ये देखना है कि आयत की लंबाई जो है वो x बोली गई है उन्होंने, x बाय dx बाय dt ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्रश्न में जब दो चर हो, लंबाई है और चौड़ाई है, ध्यान से सुनना, एक बड़ा है दूसरा घट रहा है, तो हमें प्लस माइनस के चिन्ह उपयोग करना है। चूंकि ये घट रहा है, दर जो है घट रही है, माइनस लेंगे। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, चौड़ाई को y बोला है, डी वाई वाई डी टी ये होगा 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये प्लस का आएगा, ये प्लस, तो ये बताएगा कि कौन सा परिवर्तन धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है। अब इन्होंने बोला है जब x का मान 8 सेंटीमीटर हो और y का मान 6 सेंटीमीटर हो उस समय परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। बच्चों परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, उसको p से डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आयत का परिमाप होता क्या है, वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, लंबाई गुण चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई एक्स प्लस वाई। अब यहां पर देखें ये तो फॉर्मूला लगा दिया, हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो हम यहाँ पर टी को टी के सापेक्ष परिवर्तित करेंगे, परिवर्तन की दर निकालेंगे, डीपी बाय डीटी। डीपी बाय डीटी मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा 2 × 2 में बना रहेगा, जब टी के सापेक्ष अवकलन होगा एक्स प्लस वाई का तो एक्स का भी होगा वाई का भी होगा, x का t के सापेक्ष अवकलन जो होगा वो dx बाय dt होगा, y का t के सापेक्ष dy बाय dt होगा इक्वल टू। अब मैं यहां पर मान डालूंगा, जब मान डालूंगा dp बाय dt, और ये कब होगा, इन्होंने बोला है जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये कॉमन लगा। अब आप बोलेंगे कि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर डालने के लिए x और y तो ही नहीं होने, यहां पर जो मान दिए हुए हैं dx by dt का दिया हुआ है माइनस का 5 डाल दिया, dy by dt का दिया प्लस का 4, ये होगा 2 × −1 = −2। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, पहले इकाई लिख लेते हैं, P जो है वो है अपना पेरीमीटर,
पेरीमीटर जो होता है वो तो सेंटीमीटर में ही होगा, और नीचे टाइम है वो मिनट की चर्चा की है ये प्रश्न है, तो हम मिनट लिखेंगे -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो आयत का परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट कम हो रहा है। अब इसमें बी पार्ट जो है वो उन्होंने पूछा है कि हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर भी ज्ञात करना। आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई एक्स वाई। हम इसको टी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, डी ए बाय डी टी इक्वल टू डी टी टी बाय ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप जानते हैं डी बाय डी टी ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, कोई बताएगा? एक्स वाई का टी के सापेक्ष अवकलन, जल्दी उत्तर दे दें। इसमें चेन रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बच्चों अब आप देखोगे यहां पर एक्स का मान भी डल जाएगा, वाई का भी डल जाएगा, और डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी सब है। अब हम मान डाल रहे हैं, ध्यान दें मैं साइड में कर रहा हूं, डी ए बाय डी टी और एक्स का जो मान है वो है अपना 8, वाई का है 6 इक्वल टू 8 डल गया एक्स के स्थान पर, डी वाई बाय डी टी दिया हुआ है 4 प्लस वाई दिया हुआ है अपना 6 और डी एक्स वाई डी टी दिया माइनस का 5। 8 4 32 माइनस 6 5 30 32 माइनस 32 यानी कि 2 सेंटीमीटर ये जो है इकाई जो है एरिया की लिखना है हमको, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इस कंडीशन में इसका उत्तर ही होगा। आयतन जो है आयतन नहीं क्षेत्रफल उसका 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आ रहा है यानी कि बढ़ रहा है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी, और एक एक नंबर के 5 प्रश्नों को परीक्षा में करने के लिए आपको इसका के जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है उसको अच्छे से रीड कर लेना है। 3-3 नंबर के 2 प्रश्नों के लिए प्रश्नावली 6.1 और उसके आगे जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले दी हुई है एक्सरसाइज उसको अच्छे से अभ्यास करें। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, पहली 2 प्रश्नावलियों तक बहुत अच्छा कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। आप लोगों ने मेरी बात को अच्छे से ध्यान से पूर्वक सुना है, कुछ बच्चों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे से दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद।